नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBI बैंक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, लगातार 3 साल के बाद IDBI बैंक 3 साल के बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट पेश किया है, मतलब पहली बार प्रॉफिट में रिजल्ट पेश किया गया। नहीं तो पिछले 3 साल से लगातार लॉस में ही आ रहा था IDBI बैंक, तो समझ सकते हैं। तो ऐसे में रिजल्ट देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके स्टॉक्स मात्र अभी 20 रुपीज के स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। समझ सकते हैं, PSU बैंक 20 रुपीज का स्टॉक्स, और 3 साल के बाद पहली बार जो रिजल्ट प्रॉफिट में आया है। तो चलिए हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले बता दें, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमारे PDF डाउनलोड किया है BSEIndia.com से। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब बैंक जो इंटरेस्ट जो अर्न करता है, मतलब कि जैसे 4% पे इधर से लिया कस्टमर से, और फिर दूसरे कस्टमर को वो 8% पे लोन दिया, ऐसे जनरली 12% पे देता है, 8% पे लेता है। तो ये 4% का 3% का जो मार्जिन है वो अर्न करता है। तो इंटरेस्ट जो अर्न किया है, देख सकते हैं इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो कितना है। तो इंटरेस्ट अर्न 559845 लाख, मतलब ये जो रिजल्ट है वो लाख में है, जनरली करोड़ में रहा करता है। यहाँ पर देख सकते हैं इन लाख में है, इतना लाख का इंटरेस्ट अर्न है, जो कि मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करें, मतलब जो हमारा पिछला ईयर है, मतलब मार्च क्वार्टर 2019 का, उससे कितना अधिक है। तो वहाँ से देख सकते हैं कि मार्च 2019 में ये इंटरेस्ट अर्न कितना था, 546298, तो इससे बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हैं अब की बार। तो जो इंटरेस्ट अर्न है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो मार्च 2019 में इतना करोड़ था, मतलब इतना लाख था सॉरी, और 2020 में मार्च क्वार्टर में इतना लाख हो गया। तो इंटरेस्ट अर्न में इंक्रीज हुआ है। वहीं आप देख लेते हैं टोटल इनकम, यहाँ पे हमारा टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम देख सकते हैं 692494, इतना लाख है इंटरेस्ट अर्न। उसके बाद देखते हैं जो हमारा है मार्च क्वार्टर 2019 में कितना था, 661606, इतना लाख था। ये हमारा लाख में है, थोड़ा इसीलिए दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो टोटल इनकम आ गया हमारा इतना, तो टोटल इनकम भी इंक्रीज़ हुआ है, इतना लाख से इतना लाख हो गया, तो टोटल इनकम भी इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट और प्रोविजन्स। नेट प्रॉफिट और प्रोविजन्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोविजन देख लेते हैं कितना है हमारा, मतलब हो गया टोटल 158414 लाख, इतना लाख का हमारा जो है प्रोविजन्स हुआ है। वहीं जो पिछले बार था वो मात्र 52 लाख का था, देख सकते हैं 52 लाख क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखिएगा बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ, देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा, 8,53,278 लाख, मतलब ये इतना रुपीज लाख में है। तो इतना लाख था और घट करके मात्र हो गया 158414 लाख, तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ है प्रोविजंस में ईयर ऑन और ईयर बेसिस। तो अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। इनकम भी दिया देखे हमने, इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुआ है। तो अब हमारा आता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रोविजंस भी डिक्रीज हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रोविजंस डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण हमें प्रॉफिट देखने मिल रहा है। तो चलिए हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, मतलब ये लाख में है, तो 13,000 लाख नेट प्रॉफिट है। वहीं देख सकते हैं और सारे क्वार्टर में तो यहाँ तो लॉस था, तो और सारे क्वार्टर्स में पिछले जो था सब में लॉस था, यहाँ पर देख सकते हैं इतना का लॉस था, अब की बार इतना का प्रॉफिट हो चुका है, एकाएक प्रॉफिट में देखने मिल रहा है। तो निश्चित है कि शेयर में तेज़ी देखने मिलेगा, तो हम शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए अब। और यहाँ पर नहीं देख सकते हैं ग्रॉस NPA, मतलब ग्रॉस एनपीए हो गया हमारा 27.53%, और पहले था कितना 27.47%, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मतलब लगभग फ्लैट ही रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज देखने मिला है ग्रॉस एनपीए में। नेट एनपीए यहाँ पर देखते हैं, नेट एनपीए 4.19%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं डिक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी डिक्रीज हुआ है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए।
ग्रॉस एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो हमारा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में। तो और उसके बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं 0.18% है, पहली बार पॉजिटिव है, देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट, उससे पहले नेगेटिव था रिटर्न ऑन एसेट, देख सकते हैं पहले 6.16% का नेगेटिव रिटर्न था, मतलब आर ओ ए था नेगेटिव में, पिछले क्वार्टर में भी आर ओ ए नेगेटिव था, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रिजल्ट में पॉजिटिव आया है। लेकिन क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने लायक होगा, अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट भी अब बेहतरीन आता है तो निश्चित है कि इस स्टॉक पे आपको भारी तेज़ी देखने मिल सकती है। ऐसे अभी भी आपको रिजल्ट जो इतना पॉजिटिव देखने मिला है तो निश्चित है कि स्टॉक में तेज़ी देखने मिल सकता है। तो ये देख सकते हैं हमने आईडीबीआई बैंक का चार्ट लगाया है वो यहाँ पर, तो इसका देख लेते हैं। करेंट प्राइस है 20 रुपीज़ 25 पैसा और 15 देखिए 0.15% का तेज़ी देखने मिला है पिछले ट्रेडिंग डे। वन मंथ का चार्ट देखिएगा तो देखते हैं वन मंथ में भी फ्लैट है चार्ट, ये अपने लो कितना का बनाया है 17.25 रुपीज़ का। और ईयर टेल रेट देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, वन ईयर का भी रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी गिरावट है स्टॉक में, फाइव ईयर्स का रिटर्न देखिएगा तो भी गिरावट है, मैक्सिमम ईयर का देखिएगा तो भी देख सकते हैं काफ़ी गिरावट है स्टॉक्स में। कभी ये स्टॉक भी 200 रुपीज़ का हुआ करता था, देख सकते हैं अभी इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आपको देखने मिल रहा है, मतलब सारे जो पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स हैं सभी के सभी काफ़ी अंडर परफॉर्म है। तो आपका इसमें अभी क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, अभी हम तो कहेंगे इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि एक क्वार्टर के रिजल्ट पॉजिटिव आ जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं, मतलब जिस भी स्टॉक का क्वार्टर वन बेहतर होता है समझिए वो स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे जा कर के वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो अभी आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, मेरी ओर से राय है, आप ऐसे आपकी इच्छा, तो क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने के बाद कुछ भी डिसीजन आप ले सकते हैं। तो हमने जो रिजल्ट दिया क्वार्टर फोर का इसलिए दिया कि आप स्टॉक मार्केट में, तो हर स्टॉक के रिजल्ट से आप हमेशा अपडेट रहिए कि कौन सा कंपनी कैसा रिजल्ट प्रॉफिट पेश कर रही है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो किस तरह से बैंक का हम रिजल्ट देखते हैं ये सीखने आपको मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।